स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन चैप्टर वन क्लास नाइन से आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज वन बी। तो डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। जब हम पेज नंबर 10 पे आएंगे तो यहाँ आपको पेज नंबर 10 पे आप देखो बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ब्रैकेट में कि द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विथ इट। अब एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट उसके बाद कि एग्जाम्पल है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इज द वैल्यू ऑफ इट्स वन डिवीजन विच इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बॉय मेक्स अ रूलर विद ग्रेजुएशन इन सेंटीमीटर ऑन इट दैट इज 100 डिवीजन इन 1 मीटर। टू वॉट एक्यूरेसी दिस रूलर कैन मीजर हाउ कैन दिस एक्यूरेसी बी इंक्रीज्ड। ये आंसर भी आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। तो देखो उस लड़के ने मीटर स्केल का ही यूज बनाया 100 डिवीजन से। तो अब मीटर रूल कैन बी यूज टू मेजर लेंथ करेक्ट ओनली अप टू 1 mm दैट इज 1 decimal place ऑफ अ सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर तक। और बोल रहे कि कैसे उसको सही किया जा सकता है और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। तो हाउ एवर इट बिकम्स पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम और जो है कि एक्यूरेट और छोटे डिविजन्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ बॉय मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल एंड एक्सप्रेस इट टू बी 2.6 सेंटीमीटर। वॉट इज द एक्यूरेसी ऑफ हिज मेजरमेंट। क्या एक्यूरेसी है और कैन ही राइट इट एज 2.60 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं यही देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि द एक्यूरेसी ऑफ हिज मेजरमेंट इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। रही बात लिखने की तो नो ही कुड नॉट राइट इट एज 2.60 सेंटीमीटर बिकॉज देयर आर ओनली 10 काउंट इन 1 सेंटीमीटर ऑन मीटर स्केल। सिर्फ 10 डिवीजन होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो इसीलिए वो 2.6 तो लिख सकता है बट 2.60 बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात है हो चुका। अब फोर्थ देखते हैं कि डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। हाउ डू यू डिटरमाइन इट। कि लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो पेज नंबर 11 पे देखते हैं हम। तो यहां पे देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर और वर्नियर कॉन्स्टेंट सेम ही है। तो जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर का इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्नियर कॉन्स्टेंट। और देखो कैसे लेते हैं इसको। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इसको MSD भी कहते हैं, इसको VSD भी। और कैसे इसको हम डिराइव करते हैं। तो देखो लेट एन डिवीजन ऑन वर्नियर बी ऑफ द लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन बी एक्स। देन वैल्यू ऑफ एन डिवीजन ऑन वर्नियर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन एक्स। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर कितना हो गया, एन माइनस वन एक्स अपॉन में एन हो गया। अब यहां से इक्वेशन 1.1 यानी कि लीस्ट काउंट वाला इक्वेशन है, यहां से हमने वैल्यूज ली हैं। तो नाउ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एक्स माइनस एन बाई वन एक्स अपॉन में एन दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एन हो जाएगा। तो वैल्यू तो लीस्ट काउंट कितना हो गया इसका, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म वर्नियर कॉन्स्टेंट। तो पेज नंबर 11 पे आइए। सेम आंसर जो अभी लिखा था वही आंसर हो जाएगा वर्नियर कॉन्स्टेंट के लिए भी। तो वर्नियर कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो यही है द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्नियर कॉन्स्टेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की,
कि वेन इज वर्नियर कैलिपर्स सेट टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर, पेज नंबर 13 पे है कि कब वर्नियर कैलिपर को फ्री फ्रॉम जीरो एरर कह सकते हैं। देखो जब हम ऑन ब्रिंगिंग द मूवेबल जॉ जे टू इन कॉन्टेक्ट विद द फिक्स्ड जॉ जे वन, द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल शुड कॉन्साइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। इन दिस पोजिशन द 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर coincides with the 9th division of main scale. If it is so, तो वर्नियर इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वॉट इज मीन्ट बाई जीरो एरर ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ड्रॉ नीट डायग्राम टू एक्सप्लेन इट, हाउ इज इट टेकन इन अकाउंट टू गेट करेक्ट मेजरमेंट, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है और काफी लेंदी हो जाएगा ये। आप देखो कि जो जीरो एरर होता क्या है, तो जीरो एरर इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। अब कितने टाइप ऑफ जीरो एरर होते हैं, तो दो टाइप हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और कैसे डिराइव होता है वो भी दिया हुआ है, अविट डायग्राम दिया हुआ है, और फिर इसको पूरा लिखने के बाद आपको नेगेटिव जीरो एरर भी पूरा लिखना है, और नेगेटिव जीरो एरर के लिए भी देखो पूरा दिया हुआ है डायग्राम के साथ। तो यू हैव टू राइट द फुल आंसर अप टू हियर। नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 14 पे यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉक्स में, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो यहाँ तक पूरा आपको लिखना है इसको डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि हाउ इज इट इन अकाउंट टू गेट द करेक्ट मेजरमेंट, तो ये पूरा आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर हैज अ जीरो एरर 0.06 पॉजिटिव, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अभी जस्ट क्वेश्चन में तुमने देखा वहां पे था ना 0.06, तो देखो ये देखो यहां पे दिया हुआ है ये जो डायग्राम है इसमें 0.06 का पॉजिटिव ही जीरो एरर है, तो ये रहा डायग्राम और यही डायग्राम आपको आंसर नंबर 8 में ड्रॉ करनी है। आंसर नंबर 9 देखते हैं कि ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, नेम इट्स मेन पार्ट एंड स्टेट देयर फंक्शन ऑल्सो, पेज नंबर 12 पे देखो वहां पे नीट एंड लेबल डायग्राम दिया है वर्नियर कैलिपर का। यहाँ देखो पेज नंबर 12 पे टॉप में दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर का नीट एंड क्लीन इमेज, यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फिगर 1.3, और उसके बॉटम में आ जाओ तो देखो दिया हुआ है पार्ट्स दिए हुए हैं कि आउटसाइड जॉज हैं, इनसाइड जॉ है, और उनके फंक्शन भी उनके सामने लिखे हुए हैं कि क्यों इस्तेमाल होते हैं, और स्ट्रिप है, मेन स्केल है, और वर्नियर स्केल इसका भी, तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो पूछ रहा है स्टेट 3 यूजेस ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ये भी पेज नंबर 12 पे है। तो जहां फर्स्ट वाला आउटसाइड जॉज और इनसाइड जॉज का तो देखा था ना, वहीं पे देखो लिखा हुआ है कि वर्नियर कैलिपर के जो पार्ट्स होते हैं देखो किस किस चीज में यूज होता है, मेजर द लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, मेजर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर और पाइप, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नेम द टू स्केल्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज टू मेजर अ लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 सेंटीमीटर, पेज नंबर 11 पे देखते हैं। पेज नंबर 11 पे देखो जहां पे प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर दिया हुआ है उसी में फोर्थ लाइन से आप देखो कि वन स्केल जिसको मेन स्केल कहते हैं वो फिक्स होता है, वाइल द अदर स्केल जिसको वर्नियर स्केल कहते हैं वो स्लाइड करता है अलोंग द मेन स्केल। जो मेन स्केल होता है वो ग्रेजुएटेड होता है विद द वैल्यू 1 डिवीजन ऑन इट इक्वल टू 1 मिलीमीटर, और जो ग्रेजुएशंस होते हैं वर्नियर स्केल पे वो ऐसे होते हैं कि that the length of n division of vernier scale is equal to the length of n minus 1 division of the main scale. Generally, a vernier scale has 10 division and total length of these 10 division is equal to the length of 10 minus 1, that is 9 division of the main scale. That is equal to 9 millimeter. Thus, each division of vernier scale is of length 0.9 millimeter, is smaller in size by 1 by 10 mm. 1/10 mm और 0.01 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल, तो यही तरीका है इसको मेजर करने का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्क्राइब इन स्टेप हाउ वुड यू यूज अ वर्नियर कैलिपर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्मॉल रॉड,
ये पेज नंबर 14 पे मेंशन है। पेज नंबर 14 पे अंडर द हेडिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ वर्नियर कैलिपर, तो यहाँ लेंथ वही रॉड की लेंथ फाइंड करने के लिए दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीजर में पहला स्टेप होगा कि फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। फिर क्या करना है, मूव करना है जॉ J2 J1 से अवे और प्लेस करना है ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना है बिटवीन द J1 J2। अब मूव करना है J2 को टुवर्ड द J1 ताकि वो टच कर पाए ऑब्जेक्ट को। टाइटन कर देना है स्क्रू S को और फिक्स कर देना है वर्नियर स्केल को उसकी पोजीशन में। अब देखो मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको नोट कर लो। नोट करो कि जो डिवीजन P है ऑन द वर्नियर स्केल जो कि कोइंसाइड कर रहा है वो लाइन में होना चाहिए विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब मल्टीप्लाई कर दो ये वर्नियर डिवीजन P विद द लीस्ट काउंट और दिस इज द वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि वर्नियर स्केल का रीडिंग हो जाएगा P इंटू लीस्ट काउंट। ऐड कर दो वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल रीडिंग के साथ और ये तुमको ऑब्जर्व्ड लेंथ देगा। रिपीट करो 2 times और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन जब मिल जाए तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में तुमको निकालना है। टेबुलर फॉर्म में निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग मेन ऑब्जर्व्ड लेंथ निकाल देंगे और दैट विल बी ओनली द लेंथ ऑफ दैट रॉड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेम द पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर विच इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग। तो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ ट्यूब के लिए आउटसाइड जॉज यूज होंगे, इंटरनल डायमीटर ऑफ अ मग इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए इनसाइड जॉज होंगे, अ डेप्थ ऑफ अ स्मॉल बॉटल के लिए स्ट्रिप यूज होगा और थिकनेस ऑफ अ पेंसिल के लिए आउटसाइड जॉज यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सप्लेन द टर्म पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज, हाउ आर दे डिटरमाइंड। तो ये गिवन है पेज नंबर 15 पे। तो देखो यहाँ पे पेज नंबर 15 पे बॉक्स में गिवन है स्क्रू गॉज के ऊपर ही कि द पिच ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स हेड। इसको निकालते कैसे हैं, तो देखो कैलकुलेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल। नेक्स्ट है लिस्ट काउंट के बारे में पूछ रहा है, तो देखो लिस्ट काउंट क्या होता है कि द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द एक्सिस बाय इट इन रोटेटिंग द सर्कुलर स्केल बाय वन डिवीजन। और लिस्ट काउंट डिटरमाइन कैसे होता है, दैट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गॉज बी डिक्रीज्ड। स्क्रू गॉज का लिस्ट काउंट कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, देखो पेज नंबर 16 पे है ये आंसर। बॉटम में पेज नंबर 16 के हेडिंग ही दी हुई है कि टू डिक्रीज द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गॉज, पहला है डिक्रीजिंग द पिच और सेकेंड है इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये दो तरीके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ए स्क्रू गॉज, नेम इट्स मेन पार्ट एंड स्टेट देयर फंक्शन। ये आंसर मिलेगा 15 और 16 पे। तो देखो स्क्रू गॉज की जो डायग्राम है, जो फिगर है, वो फिगर 1.7 है पेज नंबर 15 के लास्ट में बॉटम पे। जैसे ही एक पेज टर्न करोगे यहाँ बॉक्स में दिए हुए हैं पार्ट्स और उनके फंक्शन कि रैसेट का यूज, स्लीव का, थिम्बल का और मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का। तो यहाँ से पार्ट्स और उनके फंक्शन आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्टेट वन यूज ऑफ स्क्रू गॉज। तो स्क्रू गॉज का एक यूज क्या है कि मेजर करता है डायमीटर ऑफ वायर या फिर थिकनेस ऑफ पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है, मेजर करता है डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ पेपर। 18th क्वेश्चन है कि स्टेट द पर्पज ऑफ रैशेट इन ए स्क्रू गॉज। ये पेज नंबर 16 पे मिलेगा रैशेट का यूज। टॉप में देखो पेज नंबर 16 पे शुरुआत में ही कि जो स्क्रू होती है इज ऑलवेज रोटेटेड बाय टर्निंग द रैशेट एज सून एज द फ्लैट एंड बी ऑफ द स्क्रू कम्स इन कॉन्टेक्ट आइदर विद द स्टड ए और विद द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ए एंड बी। एनी फर्दर रोटेशन ऑफ द रैशेट डज नॉट मूव द स्क्रू लीनियरली टू प्रेस बी अगेंस्ट ए और द ऑब्जेक्ट, दस द रैशेट हेल्प करता है होल्डिंग द गिवन ऑब्जेक्ट जेंटली बिटवीन द स्टड ए एंड द एंड ऑफ द एंड बी ऑफ द स्क्रू। तो ये काम होता है रैशेट का। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वॉट डू यू मीन बाय जीरो एरर ऑफ ए स्क्रू गॉज, हाउ इज इट अकाउंटेड फॉर। पेज नंबर 16 पे देखते हैं, हेडिंग में दिया हुआ है
कि जीरो एरर स्क्रू गॉज का, कि जब ब्रिंग करोगे तुम फ्लैट एंड बी का ऑफ द स्क्रू इन कॉन्टेक्ट विद द स्टडे, अगर जीरो मार्क सर्कुलर स्केल का कॉन्साइड करता है बेस लाइन ऑफ मेन स्केल से, तो स्क्रू गॉज को कहा जाता है कि इट इज फ्री फ्रॉम द जीरो एरर। बट सम टाइम ड्यू टू मैकेनिकल एरर, जब ब्रिंग करते हो आप स्टडे को कॉन्टेक्ट में बी के, तो जो जीरो मार्क होता है सर्कुलर स्केल का आइदर बिलो और अबव बेस लाइन के होता है मेन स्केल से, तो देन द स्क्रू गॉज इज सेट टू हैव अ जीरो एरर। अब यहाँ पे दो तरह के जीरो एरर हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर है, सेकेंड है नेगेटिव जीरो एरर। तो इसमें आपको जो है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना, पूरा एक पूछ रहा है आपसे हाउ इज इट अकाउंटेड फॉर, तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाला भी पूरा लिख देना और नेगेटिव वाला भी पूरा लिख ही देना आप, ठीक है। अब देखो स्क्रू गॉज हैज अ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, आगे कह रहा है एंड द जीरो एरर कितना है पॉजिटिव का 0.007 सेंटीमीटर। कह रहा है ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यहां पे मैंने रफली डायग्राम बना दिया है, ये जीरो है और ये सेवन है और ये पॉजिटिव एरर को शो करता है। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक में आ जाओ और यहाँ पे देखो 0.005 का है, तो बस यही चीज़ 5 की जगह पे 7 कर देना है और सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज ब्लैक लैश एरर, व्हाई इज इट कॉज्ड, हाउ इज इट अवॉइडेड। तो पेज नंबर 18 पे गिवन है कि ये होता क्या है। तो देखो अंडर द हेडिंग ब्लैक लैश एरर सम टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ थ्रेड्स ऑफ स्क्रू, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ थिम्बल द टिप ऑफ द स्क्रू डज नॉट स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट वंस बट इट रिमेन्स स्टेशनरी फॉर अ पार्ट ऑफ रोटेशन, दिस कॉजेज एरर इन ऑब्जर्वेशन विच इज कॉल्ड द बैकलैश एरर। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वाइल टेकिंग मेजरमेंट स्क्रू शुड बी रोटेटेड इन वन डायरेक्शन ऑनली, कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आप रोटेट करो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू गॉज। पेज नंबर 17 पे देखो आप इसको, देखो पेज नंबर 17 पे मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ वायर विद स्क्रू गॉज दिया है कि सबसे पहला प्रोसीजर में क्या है कि फाइंड द लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर इफ एनी ऑफ द स्क्रू गॉज, अगर कोई है तो पहले से पता कर लो। अब क्या करना है, टर्न द रैशेट एंटी क्लॉक वाइज सो एज टू ऑप्टेन अ गैप बिटवीन द स्टड ए एंड द फ्लैट एंड बी। फिर नेक्स्ट है कि प्लेस द वायर इन गैप बिटवीन द स्टड ए एंड फ्लैट एंड बी, देन टर्न द रैशेट क्लॉक वाइज एज टू होल्ड द गिवन वायर जेंटली बिटवीन द स्टड ए एंड फ्लैट एंड बी ऑफ द स्क्रू। फिर क्या करोगे, नोट कर लो रीडिंग, फिर नोट करना है डिविजन पी सर्कुलर स्केल का जो कि कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन ऑफ मेन स्केल के साथ, और ये जो सर्कुलर डिवीजन पी है जब मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट के साथ तो तुमको सर्कुलर स्केल लीडिंग मिलेगा, दैट इज पी इन टू लीस्ट काउंट। फिर ऐड कर देना तुम सर्कुलर स्केल लीडिंग का सर्कुलर स्केल लीडिंग को मेन स्केल लीडिंग के साथ ताकि ऑप्टेन हो पाए तुमको टोटल रीडिंग, दैट इज ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द वायर, वही ऑब्जर्व डायमीटर भी होगा। रिपीट करो वायर को परपेंडिकुलर रखते हुए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दो तीन ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं इसके लिए, फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा उसमें आप पिच ऑफ स्क्रू देख लेना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होगा। तो यहाँ से लिस्ट काउंट आप पहले निकाल लोगे, फिर जीरो एरर, और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने के बाद टेबल में आप इस तरीके से पूरा रखोगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी ऑब्जर्व लेंथ है दो बार तीन बार आप कर रहे हो वो सारी लेंथ को क्या करोगे, उसका मीन निकालोगे, तो दैट विल बी मीन ऑब्जर्व्ड डायमीटर ऑफ दैट वायर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बाकी फर्दर क्वेश्चंस के लिए सारे आंसर्स ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।